हम प्रणाम के कलाम को स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील उसका चौदह बाब उसकी छठवीं आयत हम पढ़ेंगे। ऊंची आवाज के साथ कोई भी भाई पढ़े या बहन पढ़े, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। यहाँ पर दो चीजें इस कलाम में पाई गई हैं, बड़ा और छोटा, और छोटा और बड़ा। ये दो ही ऐसे जुमले हैं जिस पर ये कलाम सारा खुदा ने हम सबों को सिखाने की कोशिश की, और आज भी यही कलाम पूरी दुनिया में अगर कोई सुनाएगा ना वो मेरी तरह घबराएगा, डरेगा, कांपेगा, थरथराएगा, बल्कि जब खुदा के फजल से वो सुनाएगा तो घबराहट सारी खत्म होगी। उसका बंदा एक यकूब का खत में लिखता है, खुदावंद के सामने क्या करो, फरोत नहीं करो। क्या करो? खुदावंद के सामने, चार बाप उसकी दसवीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद के सामने क्या करो, फरोत नहीं करो, वो तुम्हें क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये देखे कैसा कलाम जो यीशु सुना रहा है अपनी जमीनी जिंदगी में, के जो अपने आप को क्या करेगा, बड़ा बनाएगा वो क्या होगा, छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब ये यकूब जो अपने खत में लिखता है कि खुदावंद के सामने क्या बन जाओ, प्रोत्साहन कर, लेकिन हम तो बड़ा ही बनना चाहते हैं। प्रोतन तो कोई भी आज तक इस रोया जमीन पर अगर किसी की गवाही मिलती है तो वो मूसा है। खुदावन ने कहा था इस रोया जमीन में सबसे हलीम और प्रोतन वो ही था जो कौम बनी इसराइल को छुड़ाकर, बचाकर, निकालकर ले गया ताकि वो उसकी क्या करे, इबादत करे, प्रस्तिश करे और उसके साथ मलाप करें। और खुदा उनको चुनी हुई कौम कहता है कि ये मेरे क्या है, चुने हुए लोग। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह के वो चुने हुए लोग थे, खुदा के चुने हुए लोगों में से उसने हमको चुना, तो हमसे एक ही बात कहता है कि अपने आप को फ्रोतन बढ़ा लो, बड़ा ना बनाओ, कहता छोटे बना लो ताकि आप वक्त पर क्या हो जाओ, सर बुलंद हो जाओ, ताकि वक्त पर तुम्हें हर एक चीज पर फतवा देना आ जाए। और मैं आपको क्या करूंगा, जबूर पहले बाप की पहली याद में दूसरी याद में लिखा हुआ है, क्या कोई पढ़े क्या लिखा हुआ है, आज थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जबूर की पहले बाप की पहली दूसरी आयत में पढ़ गए, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदावंद की क्या है, शरीयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात क्या है, उस पर ध्यान रहता है, उसकी शरीयत पर। आगे वाली आयत पढ़े क्या लिखा, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, तो जो कुछ वो करे बार बार होगा। आमीन आमीन। ये है खुदा के साथ तल्लक रखने वाले लोग, बड़े बनने वाले लोग नहीं, जो खुदा की शरीयत पर, शरीयत क्या है, वो ही किताब है जो खुदा ने मूसा को बताई और लिखवाई।
और जब वो इस रोया जमीन पर आ गया, उसने यही शरीयत ऐसी अपने लोगों के अंदर शामिल कर दी, उनके अंदर क्या उनको कहा था कि जब तुम उस मुल्क में चले जाओगे जो मैं तुमको देने वाला हूं, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों पर खोद कर देना, शरीयत की यह किताब तुम्हारे मुंह से कभी भी ना हटे। यशुआ जो था, यशुआ पहला बाप उसकी आठवीं आयत में या सातवीं आयत से पढ़ना शुरू करें, क्या लिखा हुआ है? मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तू खूब कामयाब हो, तू खूब कामयाबी हासिल हो, तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, पांचवी आयत पढ़े, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यहाँ पर दो सातवीं और आठवीं आयत में ये लिखा है कि एहतियात से, हम एहतियात नहीं करते, बड़ा बढ़ना ना, हम एहतियात छोड़कर एक ऐसे रास्ते अख्तियार करते हैं कि किस तरह से किसकी टांग को खींचना है, किस तरह किसको नीचा दिखाना है। कुछ लोग बातों से बड़ा होना चाहते हैं, कुछ लोग लिबास दिखाकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अंगूठियां पहनकर, चेन डालकर, राडो घड़ी पहनकर और रोज राइस ये सब गाड़ियों में मैं घूमता हूँ, लेकिन नाम आप बता रहे हैं। रोजगार के सिला से भी आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन रोज राइस आपने बताई है। तो क्या होगा इनके वसीला से हम क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा। लेकिन हमें रूहानी तौर पर जब बड़ा बनना है तो क्या होना है? नहीं, छोटा नहीं बनना पड़ेगा। अभी मैंने आपके सामने दो बंदों की मसाले दी है। यशुआ में आपने क्या पढ़ा? बड़ी एहतियात के साथ खुदा की शरीयत पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के हुक्म पर, खुदा के नाम को इज्जत जलाल देने पर एहतियात से चल, फिर तो क्या होगा, खूब कामयाब भी होगा और बड़ा भी होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि हमें टांगे नहीं खींचनी, नीचा नहीं दिखाना, आजकल देखें कोई भी ऐसा खादम, बड़े से बड़ा भी डॉक्टर हो, बिशप हो, उससे भी बड़े अहदे हैं, एवेंजलिस्ट छोटे आते हैं ना, इनसे भी बड़े बड़े अहदे हैं ना, तो ये क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई कलाम में कोई भी ऐसी छोटी मोटी बातचीत होती है ना, उसको हम बख्शते नहीं। लेकिन यसू ने एक बात आपसे फरमाई थी कि आपने क्या करना है, वो वक्त आ गया है, यसू ने फरमाया था आपके लिए, अजियत में पड़ा था, दुखों में पड़ा था, कोड़े खाए थे, कांटों का ताज उसके सर पर रखा था, उसकी दाढ़ी नोची गई थी, उसके ऊपर रात भर सियासत हुई थी, उसको ठट्ठे में उड़ाया गया था, और फिर भी वो सुबह क्या कहता है, बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हैं। हालेलुया, आपने तो बहुत जल्दी फरमा दिया या बाप इनको, लेकिन हमारे अंदर ये ऐसा खून जज्बा हौसला ग्लेरी बरकत है। क्या ये आज से हमने शुरू किया आज कला रोतन में बहुत आगे जाके मैंने बताया छोटा और बड़ा, जो अपने आप को दो जुमलों में मैंने कहा था, आज का कलाम क्या है, सिर्फ दो जुमलों में है।
बड़ा और छोटा, और उसके बाद इसी के साथ एक बहुत बड़ी अच्छी जिंदगी है। जिंदगी और मौत, बड़े में क्या है उसमें भी जिंदगी है, छोटे में उसमें भी जिंदगी है, और फ्रोतन में भी अगर वो बन जाएगा तो उसमें क्या है, यीशु है। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने कहा है अपने आप को फ्रोतन बना दो, अपने आप को झुका दो। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अगर अपनी स्लीप खुद उठाएगा और सारी खुदी से इनकारी करेगा, अपने आप को छोटा बना देगा, वो मेरी खिदमत के लायक है। लेकिन हम अपनी खिदमत चमकाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए एक दूसरे की टांगों को खींचने के चक्कर में, वो कलाम सही नहीं करता, वो प्रस्तुति सही नहीं करता, वो ऐसे लिबास पहनता है, वो ऐसे कामों में लगा हुआ है, वो ऐसी, उस पर हम तनकीद करते हैं। ये तनकीद जो है ना आदमी को मार देती है, और जो आदमी तनकीदों की वजह से कलीसिया से किनारा करता है ना, ये ना सोचे कि वो कलीसिया से किनारा करता है, वो आपके कलाम के वसीला से किनारा करता है, वो खुदा के कलाम के वसीला से नहीं बल्कि आपके कलाम के वसीला से वो किनारा करता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी बख्श कलाम है, खुदा का कलाम हमेशा की रोजी देने वाला कलाम है, खुदा का कलाम एक दूसरे से मोहब्बत करने का कलाम है, क्योंकि जब हम तनकीद पे जाते हैं एक दूसरे की टांगों का खींचना शुरू करते हैं, हम कलीसिया की भी बर्बादी करते हैं और खुदा से भी उस बंदे को दूर ले जाते हैं। हम दावे करते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है, मत्ती की जील उसका क्या है, पहले बाप में पदेश में चले जाएं तो क्या लिखा गया था यीशु मसीह के बारे में, कि वो एक मुनजी पैदा होगा जो आपके गुनाहों को उठा ले जाएगा, क्या करेगा, आपके गुनाहों को उठा ले जाएगा। तो आज खुदा ने आपको वक्त दिया है अपनी बेहतरी के लिए। बड़ा बनना आसान है, दुनिया में बड़ा बनने के लिए बहुत से चांस हैं और हम बनते भी हैं। अगर किसी को हम पूछते हैं ना कोई सवाल, मैं सारे बेस्ट कर, इसकी सब में क्या करनी है, इंसल्ट करनी है, इसमें सब कुछ इसको मैंने बताना है कि तू क्या जानता है, और वो अपने आप को क्या समझता है, मैं सब में क्या हूं, बड़ा। ये हमारी एक नेचर है और ये आदत भी है। आजकल के बच्चे भी, पाकिस्तान में भी जब मैं गया था ना, बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। आदम तो बहुत सी दूर की बात है, बच्चे भी बच्चों को के साथ एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। अगर किसी की बात हम बर्दाश्त नहीं करते तो हम क्या है, शरीर से, उस अबलीस से है जो हमारी तबाही और बर्बादी का पैस बनता है। और जब हम जानते हैं, एक कहानी बाइबल में ही लिखी गई है, मुकद्दस लूका की इंजील में उसके 16 बाद की 19 आयत में लिखी गई है कि एक शख्स था, वो मर गया था, उसके वो 6 भाई थे, कितने भाई थे, 6, वो मर गया था। और क्या हुआ, वो एक बहुत ही अमीर आदमी था, क्या था, अमीर, उसके बारे में कलाम लिखता क्या है, वो दौलतमंद था, जो क्या करता था, भगवानी पोशाक पहनता था, एक ऐसा कीमती लिबास पहनता था जिसको आज भी अरबों के हिसाब से जो है ना, उस वक्त जो था ना बहुत कीमती होगा, आज भी वो पैसा मीटर पे हिसाब से मिलता होगा कि हम उसको खरीद भी नहीं सकते होंगे। उसके बारे में लिखा गया था कि वो क्या करता था, रोगानी पोशाक पहनता था, और आगे क्या लिखा है, और महीन कपड़े पहनता, और महीन कपड़े पहनता, और हर रोज क्या करता था, शौकत से रहता था। अमीन, तो उसको क्या समझा जाता था, वो बड़ा था, अमीर था, और दुनिया भी उसको जानती थी,
कि वो वाकई अमीर था, और लेकिन जब वो मर गया तो कहां पर गया? अजाब में। अजाब में वो मुब्तला होकर उसकी नजर इब्राहिम पर पड़ी और वो चिढ़ा कर बोलने लगा, ए इब्राहिम मुझ पर रहम कर, और जो नसूरों से बड़ा हुआ लाजर, जिसको नीचा छोटा हकीर जाना जाता था, समझा जाता था, वो उसके बाहर दरवाजे पर खड़ा रहता था, उसकी मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता था, और जब वो भी मर गया और उसकी नजर क्या हुई, जब वो क्या था, अजाब में मुब्तला होकर अपनी जिंदगी पर सोच रहा था कि मैंने ऐश की और अच्छी पोशाक की, अच्छे खानों की, अच्छे रहने की, अच्छे आराम की जिंदगी बसर की है, और अब मैं कौन से अजाब में मुब्तला हूं। और क्या करता है वो, मिन्नत करता है, अब मिन्नता करनी शुरू करता है, मिन्नतों का टाइम अब है, और वो मरने के बाद मिन्नतें कर रहा है, और क्या हो रहा है, मरने के बाद मिन्नतें करने के बाद उसको साफ इनकार होता है, उसको क्या होता है, कहता है तेरा वक्त पूरा, याशी खत्म, बड़ापन खत्म, हर एक चीज खत्म, तू अब क्या है, अजाब में तड़पेगा। तो फिर वो मिन्नते करता है, मेरे पांच भाई बाकी हैं। क्या कहता है, मेरे पांच भाई बाकी हैं, तू लाजर को भेज ताकि वो क्या करे, उनको बचाए, कि मैं कौन सी मुश्किल में हूं। वो नसूरों से भरे हुए लाजर को, जिसको नीचा समझा जाता था, उसके भाई भी उसको यही समझते होंगे, वो आखिरकार मर गया, और कहां पर चला गया था वो छोटा आदमी, क्योंकि वो खुदा से डरता था, खुदा के साथ उसका तल्लुक था। और वहां से आवाज आई, आप थोड़ा सा आगे उसको पढ़ें, उससे कहा कि अब्राहम से लेकर 30 साल तक पढ़ें, 48 क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अनबिया हैं, अनबिया हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उसके पास जाए तो वो तौबा करेंगे, तौबा करेंगे। तो उसने उनसे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। अब आ गया है नतीजा, मेरा आदमी मर गया, वड्डा सी समझिया गया सी, अपने आप में बड़ा वड्डा बनाता है, आस पास उदे जो चलता ही ना प्रोटोकॉल, अच्छी अच्छी गाड़ियों में भी घूमता होगा, मर गया कहां पर चला गया, अजाब की जगह पर चला गया। अब वक्त पूरा हो जाएगा, हम आपको बचाना चाहते हैं, मैं नहीं बल्कि हम सब आपको बचाना चाहते हैं, अपने आप को हम बचाना चाहते हैं, कि हम भी उस अजाब की जगह पर ना चले। यहां पर बहुत ही क्लियर लफ्जों में लिखा गया है, मिन्नतें खत्म हो गई हैं, उसकी नहीं सुनी जा रही, जिंदा ही खुदा की परस्तिश करेंगे, जिंदा ही खुदा के साथ चलेंगे, जिंदा ही खुदा के साथ आगे बढ़ेंगे, और जिंदा ही जानों को बचाएंगे, क्योंकि जब हम जिंदा होंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा के कलाम को फैलाएंगे, तो जाने क्या जिंदगियां बचेंगी। और आपके वसीला से क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, उनके पास मूसवी शरीयत, अंबिया का कलाम क्या है, ये है, आपके पास मौजूद है। आप अजाब में नहीं जाना चाहते, आप बड़ा नहीं होना चाहते, आप किसी पर तंकीद नहीं करना चाहते, बल्कि खुदा के कलाम से सही बातें सिखाएं, बल्कि खुदा के कलाम को सही तरीके से पेश करें, और खुदा आपको बरकत देगा।
क्योंकि वो ही हमें वक्त पर क्या करेगा, सरबुलंद करेगा। यकूब उसका भाई था, ये जो यकूब का खत लिखा गया ये उसका भाई था, खुदावंद यीशु मसीह का भाई समझा जाता था। और ये बाइबल भी इसकी गवाही देती है कि हम तो उसके भाइयों को बहनों को जानते हैं, और ये वो यकूब है जो उसका भाई गिना गया, जो यूसुफ का बेटा भी था। और खुदा ने ये उस वक्त मुखालफत में था, ये भी उस वक्त तनकीद में था, ये भी उस खुदा के साथ नहीं चलता था, लेकिन जब यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया तो उसके बाद उसने ये खत लिखा और उसने ऐसी फिर उसकी मुनादी की कि वाकई वो नजात दहिंदा था जो आपको बचाने के लिए आया था। आज वो मुर्दों में से जी उठकर भी आपको यही समझाता है कि मैंने फिर आना है, मेरी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर लो, ताकि वहां में क्या करो, मेरा इस्तकबाल करने वाले ठहर सको। आज हम जब ईस्टर की ईद क़यामत अल मसीह की ईद मनाते हैं तो वो क्या है, उसकी पहली आमद दूसरी आमद है, जब वो मुर्दों में से क्या हो गया था, जिंदा हो गया था, किसी ने नहीं। क्योंकि आज भी हम जानते हैं यूहन्ना की इंजील में वो साफ कहता है, मुझे अपनी जान देने का भी अख्तियार है और उसे फिर वापस लेने का। वो ऐसे मजबूत हाथों में अपनी रूह को सौंपता है। आखिरी कलमे में क्या कहता है, अहबाब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसमें कोई दूसरा ऐसा इंसान, कोई ऐसी हस्ती नजर ना आई, बल्कि उसने जिसके वसीला से वो इस दुनिया में आया उसी ने उसको रूह के बाप को अपनी रूह सौंपा, ताकि वो ही हिफाजत कर सकता है और जब मैं चाहूं मैं फिर वो रूह अपनी वापस ले सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया में तारियां भी होती है। हालेलुया, तारियां बजाने का ये चक्कर है कि थोड़ा सा मैं सांस ले सकता पानी है तो पानी दे। थोड़ा सा और कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वाकई ही अब क्या है, कोई बता सकता है, सादा सा जवाब है जी, कोई ऐसा बड़ा चौड़ा लंबा नहीं, सादा सा जवाब है इसका, वो मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ वो सादा सा जवाब ये है कि ताकि आप लोग सही रास्ते पर चलें, और मैं भी उसमें क्या हूँ, ताकि हम क्या हो, सही रास्ते पर चलें। बुरे राह पर चलने वालों को वो छोटा बना देता है। हमें क्या करना है, आल में बाला की चीजों की, जहां पर क्या है, यीशु है, और यीशु ने कहा था जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी होंगे। तो आप उसी वक्त उसके साथ होंगे जब क्या होगा, आप उसकी तरीम पर अच्छे तरीके से ईमान के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे तो आपको क्या कर देगा, खुदा ये सही है, सबसे पहले वो आपको फ्रोत नहीं कराएगा, क्योंकि खुदा दिलों पर नजर करने वाला खुदा है, रूहों को बचाने वाला खुदा है, फ्रोतन बनाने की कुदरत रखता है, आदमियों को बदल देने वाला उसके पास फार्मूला है। हम कहते हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये आपकी बाइबल बदली हुई है, हम कहते हैं अभी बाइबल नहीं, ये बाइबल बदलती है इंसान, क्योंकि जो भी बड़े इंसान है ना बने, वो बाइबल पढ़ पा ही बने, वो बाइबल के वसीला से ही बड़े इंसान बने हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है जो मेरे कलाम पर अमल करेगा, इत्तियात के साथ चलेगा, कोई भी ऐसी कोताही, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करेगा, हर रोज सुबह उठेगा, मुझे इज्जत जलाल देगा, वो ही मेरा प्यार है। आज खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आज खुदा आपको दिल से चाहता है, खुदा आपको आवाज़ देता है, जैसे उसने सैमुअल को आवाज़ें दी, आज आपको भी आवाज़ देगा। अगर आप ईमान रखेंगे कि हमने भी मरने के बाद आज़ाद की जगह पर नहीं जाना, बल्कि क्या करना है, एक और स्टोरी है बाइबल में, वो भी हम थोड़ी सी गौर करेंगे और फिर उसके बाद कलाम को क्लोज करेंगे। वो ही दो भाइयों की स्टोरी थी, क्योंकि अभी मैं लुका की
انجیل کی سٹڈی کر رہا تھا تو اسی میں سے یہ سارا کلام مجھے مل رہا تھا اور پندرہ باب کی 11 بار آیت میں لکھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے کیا تھے؟ کیا لکھا تھا؟ کسی شخص کے دو بیٹے تھے. وہ کیا تھے؟ ایک امیر باپ کے دو بیٹے تھے جو بڑا سمجھا جاتا تھا, جو واقعی اپنے بیٹوں کو دے سکتا تھا. اور کیا ہوا؟ چھوٹے نے کیا کیا تھا؟ اپنا حصہ مانگا. کیوں مانگا؟ بڑا ہونا چاہتا تھا, بڑا ہونا چاہتا تھا کیونکہ جلدی جلدی امیر ہو سارے روپئے جتنے وڈیا ہوں. کیونکہ حصہ اس نے مانگا اور اس کے باپ نے کیا کیا؟ دے دیا. کوئی بات نہیں ہے, میرا ہی بیٹا ہے جو میرے کو ہے ہی, ہے دوجا میرے نال ہے, تو کوئی بات نہیں اگر میں آج اس کو دے بھی دیتا ہوں ایک حصہ اس کا, چلو مرن تو بعد بھی جائیے تو زندہ ہی میرے اندیا نے. کہتے ٹھیک ہے. اب دے دیا, کیا ہو گیا؟ اس نے کیا کیا؟ منصوبہ اپنی عقل سے بنا لیا. پیسہ آیا نا پاگل کر دیتا. یہ پکی گل, بہت سے گناہوں میں گرا دیتا ہے, بہت سے منصوبوں کو چینج کرتا ہے, لائف کو چینج کرتا ہے, زندگیوں کو بدلتا ہے, حالات کو بدلتا ہے, انسان کو سے نفرت کرنا شروع کروا دیتا ہے. زر کی دوستی سے خدا نے کہا ہے دور رہو. جو دولت کو دوست بناتا ہے نا, یہ بھی نہیں ہے کہ دولت نہ ہو, دولت چاہیے بھی. دولت کیا ہے؟ چاہیے بھی. اور میں اتنی مانگتا ہوں جتنی دیر میری زندگی ہے کہ خداوند آرام دے نال میری زندگی گزرے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کلام سامنے ہے. میں اتنی زیادہ نہیں مانگ رہا کہ میں واقعی آرام, میری زندگی میں صرف 3 وقت کا کھانا ہے اور وہ مجھے دے رہا ہے. آمین. اور اس کا جو فضل ہے وہ بیان سے باہر ہے. اس کا جو فضل ہوتا ہے نا, فضل, یہ مانگے, دولت نہ مانگے. وہ جانتا ہے کہ آپ کو دولت چاہیے, آپ کو شہرت چاہیے, آپ کو بڑا پن چاہیے, آپ کو اپنی تعریف چاہیے, آپ کو اپنا کردار چاہیے, آپ کو اپنی لائف چاہیے. وہ آپ کی ہر ایک ڈیمانڈ سے واقف ہے. جو آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ آپ کو جانتا ہے کہ مجھے اس کو کیا دینا ہے. ہم مانگتے ہیں, اس نے منع بھی نہیں کیا. وہ کہتا ہے مانگو تاکہ تمہاری خوشیاں پوری ہوں. اور پھر وہ اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ مانگو تاکہ میں دوں. دعا کی مانگنے سے یہ بڑی آیت ہم نے سب لوگوں نے, میں نے کیا, سب لوگوں نے مانگو تو کیا کیا ہوگا؟ آگے کیا تھا؟ امین. واقعی خدا نے منع نہیں کیا. خدا آگے بھی کہتا ہے منگو, پھر منگو اور منگو. کادے واسطے؟ اپنی خوشیاں واسطے, اپنے جین واسطے, اپنی عیش واسطے. وہ منع بھی نہیں کرتا ان چیزوں سے ہمیں, لیکن کہتا ہے پہلے میری کیا کرو؟ راست بازی کی تلاش کر لو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تمہیں انعام میں میں دیتا ہوں. وہ ہماری فکروں سے واقف ہے. اور یہ جو دونوں بھائی تھے, ایک نے حصہ لے لیا, وہ بھی کیا ہو گیا؟ اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے دولت آ گئی, اکثر آ گئی, کام نہیں کیتا, کچھ نہیں کیتا, اٹ چکی نہیں, سیمنٹ کی گوری نہیں چکی, نہ کوئی محنت کیتی ہے, نہ کوئی مزدوری کیتی ہے, اور سارا سب کچھ دیتا پیو دا ہے, باپ کا دیا سب کچھ ہے, حصہ بھی مل گیا ہے. اب کیا؟ وہ چند عیاش دوستوں کے ساتھ خود بھی وہ عیاش بن گیا, دور دراز ملک کو چلا گیا. جب اس کے پاس کیوں ہے, دولت ختم ہو گئی, تو وہ کیا ہو گیا؟ کنگال ہو گیا. آخر کار کیا کرنے لگ گیا؟ نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی. نوکری ملی سوروں کو پار چرانے کی,
जो सूर फलियां खाते थे उन्हीं से क्या करता था, अपना पेट भरता था, वो ही खाता था। अयाश कर ली, सब कुछ हो गया, खुदा तो दूर सी, लेकिन फिर भी हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह, जब भी आप अयाश भी कराएंगे, दौलत भी उड़ाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर भी वो आपको माफ करेंगे। हालेलुया। जिसने भी डाके डाले, चोरियां डाकी, खून किए, बगावत की, लड़ाइयां की, उसको भी कहा था क्या, हालेलुया। आपको भी खुदा कहता है कि आज ही तुम वहां पर होगे जहां पर मैं हूं। हालेलुया। जबूर 128 में क्या कहता है, पहली आयत में, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से करता है और उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया। आप खुदावंद से करें, आपको खुदा बड़ा करेगा, आपको क्या करेगा खुदा। पहले बाप की जबूर की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, उसकी शरीयत पर क्या करो, हमेशा चलते रहो, वो आपको वक्त पर क्या करेगा, भगवान। वो जबूर में लिखा हुआ है, पढ़ दे जरा दूसरी आयत है, और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, तो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। बार-बार। आमीन। आप पानी की नदियों के पास आपने आपने सुना ना रसमन का एक गीत, बहता दरिया यसु मेरा, आज में तू डूब जा, तो आप यसु में डूब जाए, यसु में बढ़े, यसु में फूले और यसु में फल लाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 और वो ही कामयाब है। फ्री वाले नूर रियाती पास करते ने 3 नंबर दे भेजे, वो बड़ी मुश्किल ना फिर पास होता है, स्टार ला गए उनके ने रियाती पास, 60 वाला अद्धा पास होया होता है, वो पास तो गिना जाता है, और 100 वाले को किसी की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, 33 में रहा मुझे नंबर एक दफा, मैंने अपना जरूर होता और टीचर ने कौन सी जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा। ये आपके साथ मैंने फ्रैंक का ना अंदाज से कलाम किया है, ताकि आपके पास ये हमेशा पड़ा रहे, समझे और खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे। अपने कदमों पर खड़े होंगे।